दोस्तों नमस्कार, मैं किशन साहनी। सो दोस्तों, हमारा फाइनली जो है टी लाइव कॉइन P2P होना स्टार्ट हो चुका है। तो किस तरीके से आप P2P कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे P2P आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी को ओपन करूंगा। तो ये मेरी आईडी है, मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आईडी ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो अब इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना थ्री लाइन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे थ्री लाइन पे, आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे P2P एंड स्वैप इसका ऑप्शन आया है। सबसे पहले अगर आपको टीम से या पर्सनल आपको इनकम आई हुई है, तो आपको क्या करना है, उसको P2P वॉलेट में लेना है। जैसे आप अपनी पुरानी टी लाइफ की आईडी में डॉलर लेते हैं, ऐसी तरीके से आपको P2P वॉलेट में लेना है। तो आप यहां से ऊपर से आपको नीचे की तरफ में P2P वॉलेट में आपको अपना कॉइन लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें P2P वॉलेट स्वैप पे क्लिक करना होगा, और यहां पर हमें कितना कॉइन हमें लेना है वो हमें यहां पर फिल कर देना है। तो जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर 1 कॉइन फिल करके दिखाता हूँ, और यहां पर ट्रांजेक्शन कोड मैं डाल देता हूँ। ट्रांजेक्शन कोड डालने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइन जो है स्वैप हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं P2P बैलेंस में कितना अमाउंट हो गया, 2.97 कॉइन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी इसमें P2P में स्वैप किया था। तो आप यहाँ से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं किस तरीके से आपने अपना सेल्फ स्वैपिंग आपने किया है, P2P वॉलेट में लिया है तो आपको कितना रिसीव हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MSG, यहाँ पर आपको 1% डिडक्ट हुआ है। 1% जो है आपका डिडक्ट होगा, जितना आप P2P वॉलेट में लेंगे उसका आपको 1% डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपके अकाउंट में आपके जो P2P वॉलेट में है अमाउंट आ जाएगा। तो फाइनली मैं आपको डायरेक्टली ले चलूँगा, P2P करके दिखाऊँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर P2P ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जिस भी आईडी पे भेजना चाहते हैं वो आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। इस आईडी पे मुझे 1.38 कॉइन सेंड करना है, तो यहाँ पर मैं अमाउंट डालूँगा 1.38 कॉइन। यहाँ पर क्या डालना है, पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, जो ट्रांजेक्शन कोड है आपकी आईडी का, और यहाँ पर कैप्चा आप डाल करके फिर आपको फंड P2P फंड ट्रांसफर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपका ये जो फंड है आप देख सकते हैं फाइनली जो है ट्रांसफर हो चुका है उस आईडी पे जिस पे मैं भेजना चाहता था। तो इस तरीके से आप अपने टी लाइफ कॉइन को एक दूसरे आईडी पे P2P कर सकते हैं, और कॉइन स्टेक करने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि टी लाइफ कॉइन बहुत बड़ा मौका हम सभी के लिए लेके आया है, और बहुत बड़ी अर्निंग हम यहाँ से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।